किशोरावस्था बदलाव की अवस्था होती है। ऐसे में किशोरी के स्वास्थ्य, पोषण और संपूर्ण विकास के लिए भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलना जरूरी है। किशोरी बालिका को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जिसमें सारे जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। किशोरियों के लिए प्रतिदिन का संतुलित भोजन। किशोरावस्था के समय पोषण का पूरा ध्यान रखें जिससे कमजोरी ना हो, और आंगनवाड़ी आकर IFA की गोलियां लें जिससे खून की कमी ना हो। किशोरावस्था में बहुत ही चटपटा खाना खाना अच्छा लगता है। बहुत आसानी से खाने में थोड़ा सा बदलाव करके उसे चटपटा और पौष्टिक बना सकते हैं। जैसे पोहा या उपमा जो आप खाती हैं, उसमें एक मुट्ठी भुनी या उबली मूंगफली और थोड़ा नींबू डालकर खाएं। इससे खाने में प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी और वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। कोई भी दाल जो आप बनाती हैं, उसमें एक मुट्ठी स्थानीय हरी भाजी डालकर पकाएं, जिससे आपकी यही दाल आयरन, विटामिन ए और फॉलिक एसिड युक्त हो जाती है। कद्दू की खीर बनाते समय दूध और कद्दू के साथ थोड़ी सी पिसी तिल डालें, इससे खीर स्वादिष्ट भी बनेगी और इससे कैलोरी और प्रोटीन मिलेगा। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इससे आयरन के अवशोषण में मदद मिलती है, इसलिए आंवले की चटनी रोटी या पराठे के साथ या आंवले की सुपारी दाल सब्जी में बुरक कर खाएं। चने, मूंगफली, मुरमुरे, टमाटर, ककड़ी और उबले आलू से बनी भेल किशोरियों के लिए पौष्टिक खाना है, पर यदि इस भेल को हरा धनिया और नींबू की चटनी से खाया जाए तो आंखों की रोशनी के लिए जरूरी विटामिन ए तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। बाजरा, दूध और गुड़ को आटे की तरह गूंथ लें। अब इसे बेलकर कढ़ाई में तेल गरम कर पूरी की तरह तलें और उपयोग करें। इससे अधिक विटामिन ए और कैल्शियम मिलता है। अंकुरित अनाज बहुत पौष्टिक होते हैं। जैसे मूंग को अंकुरित कर उसमें टमाटर, ककड़ी आदि डालकर चाट की तरह चटपटा बनाकर खाते हैं। इसमें यदि नींबू और निचोड़ दिया जाए तो विटामिन सी भी मिल जाएगा और ये स्वाद में भी अच्छा लगेगा। स्वच्छता स्वास्थ्य की कुंजी है, इसलिए व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें। थोड़ा सा परिवर्तन सेहत भरा पोषण।